हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिश चेक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर मोस्टली उन फिल्मों को हम लोग प्रमोट करते हैं जिसकी वाकई में प्रमोशन को जरूरत है, जो फिल्म वाकई में डिजर्व करती प्रमोशन की। और आज मैं चाहता तो मैं बागी 3 के बारे में बात कर सकता था, लेकिन मेरे पास पर्सनली बागी 3 मूवी देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूं, तो फालतू में वीडियो बड़ी होगी। तो बस मैं इतना ही बोल सकता हूं, पर्सनली बागी 3 मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आप टाइगर श्रॉफ के बहुत बड़े फैन हो, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि टाइगर श्रॉफ भले एक्टर कैसा भी हो लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। तो मैं इतना कह सकता हूं, अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो आप जाके जरूर देखना। लेकिन अगर आप लोग को मेरे रिव्यूज पसंद आते तो यार मेरे हिसाब से टाइगर श्रॉफ की इस मूवी को आप लोग इजिली स्किप कर सकते हो। खैर, आज हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई एक दूसरी बड़ी मूवी की, जिसका नाम है कामयाब। देखिए, इसको मैं बड़ी मूवी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बड़े बजट की चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इस मूवी का कुछ बड़ा बजट है। लेकिन जितने दिल से, जितने प्यार से और जितनी सच्चाई से इस फिल्म को बनाया ना, उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ, इस फिल्म की जो पूरी मेन जान है वो है संजय मिश्रा सर। संजय मिश्रा सर ने इस मूवी में इतनी जबरदस्त एक्टिंग करके दिखाई कि मतलब समझ लो उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया सामने, क्या भाई देख लो इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी पब्लिक बागी 3 की तरफ जाएगी क्योंकि वो कमर्शियली एक बड़े बजट की मूवी है, उसमें बड़े एक्टर्स है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर आपको रियल जो जेन्युइन बॉलीवुड के एक्टर है संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल, वो आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, ना कभी आपने उस चीजों पे गौर भी किया होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे साइड एक्टर्स के बारे में जो आई थिंक हम लोग कभी देखते नहीं, कभी नोटिस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द हम लोग सिर्फ बड़े एक्टर्स को जानते हैं, बड़े एक्टर्स को ही फैंस होते, लेकिन जो छोटे जो साइड एक्टर होते उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो ये कहानी उन साइड एक्टर्स की है जो मतलब अगर आप इस मूवी में देखोगे तो आपको हंसी भी आएगी, थोड़ा इमोशनल भी फील करोगे, और एंड में जब ये फिल्म खत्म होती है तो थिएटर से हंस के निकलोगे। कहानी है सुधीर की, जो कि एक साइड एक्टर है और वो अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 499 फिल्म कर चुके, लेकिन तभी उनको रियलाइज होता है कि उनकी एक फिल्म शॉट है वो 500 है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं इतना बोलता कि ये जब मूवी शुरू होती स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको इतनी जबरदस्त मतलब अपने आप से मतलब ये फिल्म कनेक्ट कर लेगी आपको। उसके बाद आप पूरी फिल्म देखोगे, इसमें हंसोगे, इसमें रोओगे, और फिर एंड में जो इस फिल्म का क्लाइमेक्स है, मैं यहाँ पर कुछ भी रिवील नहीं करूंगा, मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये फिल्म थ्रू आउट द वे आपको एंटरटेनमेंट करवाएगी। और आप ऐसा बोलोगे हाँ भाई, हमने अगर 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए देके अगर ये फिल्म देखी तो कहीं से भी इस फिल्म ने अपना पैसा वेस्ट नहीं किया, ना ही आपका टाइम वेस्ट किया। और ये फिल्म मैं बोलता हूँ कि उन लोगों के लिए जो अपने जिंदगी में कभी निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेट होते, तो उनको ये मोटिवेट करेगी। और एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताएगी, ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बताएगी कि पर्दे के सामने तो आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई से आप लोग कभी रूबरू नहीं हो पाते। तो वो सब चीजें आपको ये फिल्म दिखाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज्यादा बड़ी करूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस हफ्ते अगर कोई बॉलीवुड की फिल्म देखने जाते हो, कोई हिंदी फिल्म देखने जाते हो, तो एक बार मेरे वीडियो पे यकीन करो और एक बार कामयाब ये मूवी जाके जरूर देखना, आपको जरूर दिल को छू जाएगी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मेरे 2020 में अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है बॉलीवुड की तरफ से। तानाजी मूवी को छोड़ के कामयाब मूवी मैं बोलता हूँ कि सबसे लाजवाब मूवी, और बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सच्चाई से इस मूवी को बनाया, और वाकई में ये लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये कामयाब मूवी नहीं देखी तो जरूर जाके देखना, ये थिएटर में लगी हुई है। तो बस इस वीडियो में इतना है। मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो दुआ में याद रखना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो।